हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज रेसिपी बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब मटन करी की रेसिपी। बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन करी बनाने के लिए पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैं 500 ग्राम मटन लिया है। अभी इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज ऑनियन पेस्ट। ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा सरसों का तेल। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके 1 आवर के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। चलिए अभी ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई पर दे दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 होल रेड चिली, 7-8 काली मिर्च, 1 छोटे इलायची, 2 लौंग, 1 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता। इसको थोड़ा सा फ्राई करके अभी इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज की स्लाइसेस। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज प्याज लिया है। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड मटन। मटन को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। ऐड कर दिया है 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मटन को थोड़ा टाइम लेके अच्छे से भूनना है, तभी इसका बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी मैं 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी। 10 मिनट्स बाद देखिए मटन से कितना पानी रिलीज हो गया है। अभी इस पानी को थोड़ा ड्राई करना है। ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 चॉप्ड टोमेटो और थोड़ा सा शुगर। शुगर ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हो। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए फिर से ढक के रख दूंगी। देखिए मटन से जो पानी रिलीज हुआ था वो एकदम ड्राई हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 ग्लास पानी। इस टाइम पे आप मटन को प्रेशर कुक भी कर सकते हो। अभी मैं फिर से मटन को टेंडर होने के लिए 20 मिनट्स लो फ्लेम में ढक के रख दूंगी। देखिए 20 मिनट्स बाद मटन का कलर कितना बढ़िया आया है और मटन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। अभी लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मटन मेरा एकदम रेडी है। चलिए अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। मटन करी को आप प्लेन राइस, जीरा राइस, रोटी, पराठा, नान सबके साथ सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप इस तरह से एक बार घर पे जरूर ट्राई करके देखना। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और मटन करी की रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।